नमस्ते दोस्तों, मैं मेरी YouTube चैनल अल्पेस गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज दोस्तों मैं आपको स्नेक प्लांट का बहुत ही अच्छा कलेक्शन दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके पास किस तरह के स्नेक प्लांट है कमेंट में जरूर बताना। और आप दोस्तों वीडियो देखने के बाद किसी भी प्रकार की सलाह देना चाहते हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कोई सवाल आपके मन में हो तो दोस्तों वो भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। तो चले दोस्तों, स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटी है तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखना और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा मैं आपको। और जहां पर भी मुझे लगेगा कि कुछ बातें जान लेनी चाहिए वहां पर ही मैं मेरी राय रखूंगा। तो चले दोस्तों वीडियो एंजॉय करें। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ बातें जान लेते हैं, जैसे कि कई दोस्त बिना जाने ही स्नेक प्लांट के पौधे घर पर ले आते हैं और दोस्तों उस पौधे की देखभाल नहीं कर पाते और फिर किसी ना किसी प्रॉब्लम के कारण पौधा मर जाता है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि ये जो मैं आपको स्नेक प्लांट दिखा रहा हूँ ये तीनों वेरायटी अलग है। दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा गमला, इन तीनों गमलों के स्नेक प्लांट को अच्छी तरह देखे और उनमें से जो पसंद हो स्नेक प्लांट वो आप लगाए, क्योंकि दोस्तों ये स्नेक प्लांट की तीन वेरायटी ऐसी है कि फूल गर्मी में भी आप पौधे को रख सकते हो और आप इस पौधे के अंदर जरूरत से ज्यादा पानी डाल दोगे तो भी डैमेज नहीं होंगे और आप इस पौधे को 15 दिन में एक बार पानी डाल दोगे तो भी चल जाएगा। दोस्तों ये तीनों वैरायटी बहुत ही हार्ड वैरायटी है, पौधे जल्दी मरते नहीं है, टिके रहते हैं। इसीलिए दोस्तों आप पहली बार स्नेक प्लांट को लगा रहे हो तो ये तीन वैरायटी आपके लिए बेस्ट वैरायटी है और यही मेरी पर्सनल सलाह आपके लिए। और उसके बाद दोस्तों आप धीरे धीरे स्नेक प्लांट के बारे में जितना भी जानोगे वो सारी जानकारी आपको ही काम में आएगी और फिर दूसरी वैरायटी के स्नेक प्लांट की देखभाल अच्छी तरीके से कर पाओगे आप। और दोस्तों ये स्नेक प्लांट के फूल है और दोस्तों स्नेक प्लांट के फूल बहुत ही कम जगह पर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों ये स्नेक प्लांट का पत्ता बहुत ही हार्ड पत्ता है, दोस्तों छूने से भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये रियल है, इतना मजबूत पत्ता है। और एक बात दोस्तों, ये जो मैं स्नेक प्लांट का कलेक्शन आपको दिखा रहा हूँ ऐसा कलेक्शन आपने किसी भी बड़ी नर्सरी में भी नहीं देखा होगा, क्योंकि दोस्तों इस कलेक्शन में स्नेक प्लांट की काफी सारी वैरायटी आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों आपने इसी वीडियो में इसी तरह के स्नेक प्लांट देखे तो दोस्तों आप ऐसा ना समझे कि एक ही प्रकार के स्नेक प्लांट है, क्योंकि दोस्तों पत्तों की जो मोटाई और लंबाई होती है और दोस्तों पत्तों के ऊपर की जो पैटर्न होते हैं उसको आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि सेम दिखने वाले स्नेक प्लांट में भी अलग अलग वैरायटी होती है। और दोस्तों ये स्नेक प्लांट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये दोस्तों पूरा का पूरा ग्रीन पत्तों वाला स्नेक प्लांट, इनमें भी दो वैरायटी होती है और एक छोटे पत्ते वाली वो ये है और इनमें बड़े पत्ते वाली भी एक वैरायटी होती है, वो भी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये भी एक छोटा सा स्नेक प्लांट है अलग वैरायटी का। दोस्तों ये भी एक अलग वैरायटी का स्नेक प्लांट है और इसके पत्तों के छोर पे कांटा होता है, इसलिए संभल के रहना। और ये भी दोस्तों छोटी वैरायटी का स्नेक प्लांट है, छोटे छोटे पत्तों वाला। दोस्तों इसी तरह के स्नेक प्लांट की काफी सारी वैरायटी है हमारे पास। वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपने इसी तरह के और पैटर्न वाले स्नेक प्लांट देखे होंगे, आगे भी ऐसी वैरायटी है जो आप देखेंगे।
दोस्तों ये भी एक अलग वैरायटी का स्नेक प्लांट है जो काफी महंगा होता है दोस्तों। और दोस्तों ये कोकोडेमा है, इस तरह का बॉल हमने बनाया था उसमें स्नेक प्लांट को लगा दिया था। दोस्तों ये भी एक जबरदस्त स्नेक प्लांट का पौधा है, आप देख सकते हो, और इसकी जो पत्ती होती है वो भी काफी मोटी होती है। दोस्तों ये सबसे छोटे पत्तों वाला स्नेक प्लांट है, इनके पत्ते बहुत ही छोटे होते हैं, देख सकते हो आप इसे चाइनीज स्नेक प्लांट कह सकते हो। और दोस्तों ये भी एक छोटी सी स्नेक प्लांट की वैरायटी है। दोस्तों ये भी एक जबरदस्त स्नेक प्लांट की वैरायटी है और दोस्तों ये काफ़ी महंगी होती है। दोस्तों ये भी काफ़ी अलग वैरायटी है स्नेक प्लांट की और इसके अंदर फूल भी आए हुए हैं दोस्तों, देख सकते हो आप। और दोस्तों ये भी एक स्नेक प्लांट है और हमने इसे हैंगिंग में लगाया हुआ है दोस्तों, और ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है ये स्नेक प्लांट। दोस्तों ये भी आप देख सकते हो स्नेक प्लांट का पौधा, काफ़ी अलग वैरायटी है और दिखने भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है दोस्तों। और दोस्तों ये जो टेढ़े पत्तों वाला स्नेक प्लांट है ये दोस्तों काफ़ी महंगा स्नेक प्लांट है, और दोस्तों आपने इस पौधे को गलती से भी नहला दिया था दोस्तों, दूसरे तीसरे दिन पूरे पत्ते सड़ जाएंगे, इसलिए दोस्तों बिना नहलाए जड़ के अंदर महीने में एक बार थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ। और दोस्तों ये पीले पत्तों वाला स्नेक प्लांट, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, मुझे बहुत ही पसंद है ये स्नेक प्लांट। दोस्तों ये स्नेक प्लांट काफ़ी महंगे होते हैं दोस्तों।
और दोस्तों ये भी महंगी वेरायटी के स्नेक प्लांट है और काफी अलग स्नेक प्लांट है और इसके पत्ते बहुत ही मजबूत पत्ते होते हैं और इसका ग्रोथ होता है वो बहुत ही धीमा ग्रोथ होता है दोस्तों। और दोस्तों ये भी काफ़ी खूबसूरत वेराइटी है स्नेक प्लांट की। और दोस्तों ये ग्रीन पत्तों में बड़े पत्तों वाला स्नेक प्लांट, पूरे पत्ते ग्रीन दिखते हैं। दोस्तों एक छोटा सा ये भी एक अलग वेरायटी का स्नेक प्लांट है। आगे जो हमने इसी वेरायटी का स्नेक प्लांट देखा उसके पत्ते थोड़े मोटे थे और इनके पत्ते थोड़े पतले हैं। आप चाहो तो फिर से जाकर देख सकते हो, आपको कंफर्म हो जाएगा। और दोस्तों ये भी एक काफ़ी खूबसूरत वेरायटी का स्नेक प्लांट है। आप देख सकते हो इसके पत्ते का पैटर्न बहुत ही खूबसूरत पैटर्न है इस पत्तों का। ये स्नेक प्लांट भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। दोस्तों ये भी एक छोटा सा स्नेक प्लांट है और दोस्तों ये बहुत ही कॉस्टली स्नेक प्लांट है। इसका एक नया पत्ता 2 साल में एक बार निकलता है, काफ़ी स्लो ग्रोथ है इसलिए महंगा है। और दोस्तों ये भी एक स्नेक प्लांट की काफ़ी ब्यूटीफुल वेरायटी है, आप देख सकते हो। और इनके पत्तों की जो मोटाई होती है वो भी ज़बरदस्त है, ये देख सकते हो आप इसके पत्तों की मोटाई। दोस्तों आपके पास किस वेरायटी का स्नेक प्लांट है कॉमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों ये भी काफ़ी महंगा स्नेक प्लांट है। दोस्तों मैं जब भी कहता हूँ कि ये बहुत महंगा पौधा है तो दोस्तों प्लीज़ आप बुरा मत मानना, क्योंकि 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये का एक पौधा मिलता है, तो इसे महंगा ना कहे तो क्या कहे। दोस्तों यहाँ पर आपने इसी तरह की काफ़ी अलग अलग वेरायटी देखी होगी दोस्तों, और दोस्तों ये भी काफ़ी महंगी वेरायटी होती है स्नेक प्लांट की। दोस्तों आप स्नेक प्लांट के पत्तों के कटिंग को लगा कर नया पौधा तैयार कर सकते हो। दोस्तों जितनी भी महंगी स्नेक प्लांट की वैरायटी होती है उनका महंगा होने का कारण उनका ग्रोथ होता है। दोस्तों ये जो मैं आपको स्नेक प्लांट दिखा रहा हूँ इनकी भी बढ़ने की स्पीड काफ़ी स्लो है, 1 साल में एक नया पत्ता निकलता है। और दोस्तों ये पौधा 3 साल पुराना पौधा है दोस्तों। और दोस्तों ये मेरा खुद का कलेक्शन नहीं है दोस्तों, ये मेरी मैडम का कलेक्शन है, यहाँ पर मैं सिर्फ माली का काम करता हूँ। दोस्तों हमारी मैडम को गार्डनिंग का कितना शौक है ये तो दोस्तों आपको इस कलेक्शन से पता चल ही चुका होगा। और दोस्तों यहाँ पर एक और कैक्टस का कलेक्शन है और वो कलेक्शन बहुत ही जल्दी आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। आपको कैक्टस के पौधे पसंद है तो दोस्तों वो कलेक्शन भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों आपको ये स्नेक प्लांट का कलेक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और एक बार दोस्तों इस स्नेक प्लांट के कलेक्शन के अंदर हमारे भारत देश के भी स्नेक प्लांट है और दोस्तों थाईलैंड के भी स्नेक प्लांट है और दूसरे देशों के भी काफ़ी सारी वैरायटी आपको देखने को मिली होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि गार्डन से रिलेटेड वीडियो आप सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकूँ। मिलेंगे ऐसा ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।